उत्पन्न गेच सुरेन्द्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इद्धि गारवे पिशुणे नरे साहस हीन पेशणे अदिठ धम्मे विन ए अकोवि ए असम विभागी नहु तस्स मुखो। भारतीय धर्म दर्शन में, धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। जीवन का या आत्मा का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो, सर्व दुख मुक्ति, हमेशा के लिए एकांत सुख की प्राप्ति मोक्ष की स्थिति में होती है। साधुपन लिया जाता है और ऐसे श्रावकत्व भी ग्रहण किया जाता है। इसके भी मूल में सिद्धांततः है मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य होता है। मोक्ष की प्राप्ति में इस प्रकार के व्यक्ति असफल हो जाते हैं जो चंड होते हैं। शास्त्रकार ने बताया है कि जो चंड व्यक्ति होता है, गुस्सेल प्रकृति वाला होता है, ऐसा चंड व्यक्ति चंडत्व में जब तक रहेगा वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भगवान महावीर के जीवन वृत्त में चंड कौशिक सर्प का प्रसंग आता है। कैसे वह पूर्व भव में मानो कुछ प्रकृति से चंड होने के कारण या जो भी कारण बना वह सांप की योनि में चला गया, सांप बन गया। भले तपस्वी के रूप में था, सन्यासी के रूप में, जो भी प्रकृति कुछ गुस्सेल गुस्से की चंडता की, तो ऐसे कहीं आश्रम में मुखिया कुलपति जो भी बना तो यह चंडता और गुस्सा आदमी को दुष्परिणाम दिलाने वाला बन सकता है। भगवान महावीर का संपर्क हो गया, चंड कौशिक जो सर्प था भगवान महावीर के संपर्क में आ गया। और तो क्या, भगवान महावीर का मानो चरण स्पर्श कर लिया, शरीर का स्पर्श कर लिया। लोग चरण स्पर्श की बात, कि चरण स्पर्श चरण, सांप को भी चरण स्पर्श या शरीर का स्पर्श करने का मौका मिल गया, पर वैसा चरण स्पर्श नहीं करना ही ठीक है। वैसा चरण स्पर्श तो किसी साधु का नहीं करना ही ठीक है। फिर भी सांप को तो मानो भगवान महावीर के शरीर का स्पर्श करने का मौका मिल गया और भगवान महावीर से प्रतिबोध मिला। सांप को भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मनुष्य की योनि से तो नीचे पतन की ओर आया, अब सांप की योनि से प्रतिबोध मिला और ऐसा भावों का परिणाम अच्छा हुआ और अनशन किया, इतनी साधना तपस्या आयुष्य पूरा करके उच्च गति देवलोक में चला गया। तो मनुष्य से तो थोड़ा अधोगति में गया, तिर्यंच से कहाँ देवगति में चला गया। तो भगवान महावीर का सान्निध्य प्राप्त हुआ, प्रतिबोध प्राप्त हुआ,
और शक्तिशाली सर्प लगता है चंड कौशिक सर्प, और मानो शक्ति का बढ़िया उपयोग करना शुरू कर दिया। जो शक्ति हिंसा में उसमें खराब चीज में, वो शक्ति अच्छे कार्य में लगी, साधना में लगी और ऊर्ध्वारोहण हो गया। तो यह चंडता है वह आदमी में होती है तो इतना गुस्सा भयंकर आ जाता है। एक बार तो मानो विस्फोट सा कर दे ऐसा गुस्सा, कुछ भी बोलना, हाथ में कुछ भी ले लेना, अरियों ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह आवेश गुस्सा वो हमारे लिए अहितकर, वीतरागता की स्थिति, क्षमा की स्थिति कितनी उच्च कोटि की होती है। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किंचित भी संक्लेश नहीं है, भावों में आवेश नहीं है। संतों का संदेश यही है। तो यह जो वीतरागता का संदेश है, तो इस संदेश के अनुरूप हम चलें तो हमें गुस्से को भी छोड़ना होता है, छोड़ना चाहिए। और गुस्से वाला व्यक्ति काले नाग की तरह मानो डसने की चेष्टा कर लेता है। सांप है फिर भी क्षमा धारण कर ले, और एक सांप जिसके विष नहीं है, विनीत है, सरल है, एक सांप के पास गरल है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसे क्या जो विष विहीन, दंत विहीन, विनीत और सरल है। आश्रय एक सांप के पास कुछ है ही नहीं, काटने की स्थिति नहीं है, न दांत है, न विष है, न तो वो है ही नहीं, तो वो क्षमा रखे तो ठीक है, कोई बड़ी बात। जिसके पास गरल है, दांत है, काटने की क्षमता, वो क्षमा धारण कर ले, जैसे मानो कि चंड कौशिक सर्प ने क्षमा धारण कर ली, वो क्षमा अपने आप में बड़ी बात है। अक्षमता में कुछ नहीं बोल पाए, बड़ी बात नहीं है, बोल सकता नहीं, इतना भय है कि इतने बड़े लोग हैं कैसे बोलूंगा, तो डर के मारे बोल सकता नहीं, वो बड़ी बात नहीं, बोल सकता है फिर भी शांति रख ले, वो बड़ी क्षमा की बात होती। आप लोगों के परिवार में आप देखो घरों में कि आपस में बोला चाली भी हो जाती होगी कभी कभी, बोलने की क्षमता है, डांटने की क्षमता, फिर भी आदमी मौके पर शांति रख ले, होठों को सीकर के मानो रख ले, मौके पर मौन रखना वो बड़ा मौन है। आप लोग कोई गृहस्थों में संतों साधियों में 2 घंटा मौन किया, 3 घंटा, अच्छा वो भी अच्छा ही है, पर जब गुस्सा आए तब मौन रख ले, वो बड़ा मौन हो सकता है। महान वह होता है जो विष को पीना जानता है, महान वह होता है जो विष को पीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है। बातों में माहिर कई मिलेंगे दुनिया में, बातों में माहिर कई मिलेंगे दुनिया में, सम्मान वह पाता है जो समर वेला में सीना तानता है, सम्मान वह पाता है जो समर वेला में सीना तानता है। तो विष को भी पी लेना, कड़वी घूंट को भी निगल लेना, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, वापिस मुझे नहीं बोलना, और तो क्या विष, या कड़वी बात का विष उसको पी ले, गम खा ले, कम खाना, गम खाना और नम जाना, कम खाना, गम खाना, नम जाना, कम खाओ, हमारे संत लोग बैठे हैं, कम खाओ स्वस्थ रहो,
गम खाओ मस्त रहो, नम जाओ प्रशस्त रहो। कि संत लोग हैं, ऐसे भी संत लोग तो महान व्यक्ति मान लें, कम खाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी कम खाओ, उनोद्री रखो, तो कम खाओ स्वस्थ रहो। अरे गम खाओ, मौके पर क्षमा धारण कर लो, बोलो मत, कभी नहीं बोलना, तो गम खा लेना, गम खाओ मस्त रहो, अपने आप में मस्त रहो, धर्म में मस्त रहो, गम खा लो। नम जाओ, जो पूज्य हैं आराध्य हैं उनके सामने नम जाओ, बड़े हैं उनके सामने आदरणीय नम जाओ, और प्रशस्त रहो। एक अहंकारी आदमी है, मान लो जो उच्छृंखलता करने वाला है, तो वो प्रशस्त नहीं है। एक उचित जगह पर नम जाना, वो एक प्रशस्त बात हो जाती है। कि अहंकार आदमी करता है, एक आदमी झुकता है तो दूसरा भी कई बार झुक जाता है। एक तरफ का मैं तो बिल्कुल नहीं झुकूंगा, तो दूसरा का मैं भी फिर क्यों झुकूंगा, कि थोड़ा तुम झुको फिर हम भी झुकें। कि तुम आओ डग एक तो, तुम आओ डग एक तो, हम आए डग अठ, एक कदम तुम इधर आओ, हम आठ कदम तुम्हारे सामने आएंगे। तुम आओ डग एक तो, हम आए डग अठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। क्योंकि तुम भी झुको केवल हमको ही। तो अब देखिए, अब एक आदमी जा रहा है, रास्ते में कोई मिला, नमस्ते सा नमस्ते, तो वो भी हाँ नमस्ते, वो भी हाथ जोड़ लेता है। किधर हम हाथ जोड़ेंगे, हमारे संत लोग हैं, अब संत कोई मिले बड़े तो मुथेड़ बंदा में, तो वो भी थोड़ा भी हाँ सा थोड़ा, वो भी थोड़ा बात्सल्य, हम हाथ ही नहीं जोड़ेंगे। फिर वो सोचेंगे भी इतना क्यों, ये हाथ ही नहीं जोड़ते, तो हम नमस्ते करेंगे तो दूसरा भी हमें थोड़ा हाथ जोड़कर नमस्ते, तो थोड़ा हमें झुकना पड़ेगा। दूसरों को झुकाना है तो पहले थोड़ा खुद को भी झुकना चाहिए। यह मंत्र है कि भाई तुम झुको तो दूसरे भी झुक सकेंगे। तुम एकदम कलडे रहने चाहते हो तो दूसरे भी स्वाभिमानी लोग हैं, वे फिर क्यों तुम्हारे सामने झुकेंगे। तो कि लोग हाथ मिलाते हैं तो वो भी हाथ आगे करे, ये दो तो हाथ मिलेंगे, एकदम ऐसे रहेंगे तो हाथ फिर कैसे मिलेंगे। तो यह उच्छृंखलता है, ठीक है, सिद्धांत एक बात है, कहाँ झुकना कहाँ न झुकना वो एक विवेक की बात है, सिद्धांत की बात है, प्रोटोकॉल की बात भी कहीं हो सकती है। तो बाकी अहंकार के कारण से नहीं झुकना वो बढ़िया बात नहीं होती। बाकी तो भी कौन वंदनीय कौन अवंदनीय, वो विधि विधान तो एक अलग, धर्म के विधि विधान हो वो अलग चीज है, पर घमंड और अहंकार के कारण न झुके, हमारे छोटे संत और बड़े संत सामने मिल गए हैं, वो यूं हाथ डाल करके चले, ये तुमसे बड़े संत हैं तो हाथ जोड़ो, माथा हाथ तो जोड़ो, मुझेण बंदा भी तो बोलो, बड़े संत मिले हैं तुमको, छोटा संत यूं चले हाथ करके, तो यह तो उचित नहीं है ना। इतना क्या बात है, हाथ क्यों नहीं जोड़ते हो तुम, साधु तो मानते हो ना, बड़े मानते हो फिर हाथ क्यों नहीं जोड़ते हो। तो तुम झुको तो दूसरे भी झुक, खुद झुको, झुकाओ औरों को, खुद झुको तो दूसरे भी झुक सकेंगे। तो तुम नमस्ते करो तो दूसरे भी तुम्हें फिर कुछ नमस्ते जो भी कर सकेंगे। तो चंड प्रकृति होती है, गुस्से की प्रकृति, अहंकार घमंड की, तो सक्षमता होने पर भी क्षमा रखना वो बड़ी बात है। मार सके मारे नहीं ताको नाम मर्द, कि मारने की क्षमता होने पर भी नहीं मारता, वो मर्द है, वो शक्तिशाली है। संस्कृत में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा वीर आदमी का भूषण आभूषण है। तो शास्त्रकार ने बताया जे या विचंडे, जो चंड होता है उसको मोक्ष नहीं मिलता है, जब तक चंड रहेगा मोक्ष नहीं मिलेगा।
मई इड्ढी गारवे मत्ति का बुद्धि का घमंड है, रिद्धि का घमंड है कि मेरे पास इतनी बुद्धि इतनी रिद्धि है इतनी संपदा है, वो अहंकार है। तो अहंकार नहीं छोड़ेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिल सकेगा। कि अहंकार के हाथी से, घमंड के अभिमान के हाथी से नीचे उतरना, भरत और बाहुबली, बाहुबली कितने शक्तिशाली, पर वो थोड़ा अहंकार आ गया भी, छोटे भाइयों को तो कैसे वंदना करूं, ये भी बड़ी बात है छोटों को वंदना करना। अब एक साधु को नई दीक्षा आ गई, अब नई दीक्षा आ गई तो जितने भी पहले उससे जो छोटे थे कभी, अब उससे बड़े हो गए, अब उनको वंदना करने की विधि है भी, तुम अब नए शरीर से दीक्षित हुए हो तो पहले से भले तुमसे छोटे थे, अब वो तुमसे बंधन व्यवहार में बड़े हो गए हैं। तो छोटों के सामने झुकना, छोटा भाई पहले दीक्षित हो गया, बड़ा भाई बाद में साधु बना, तो बड़ा भाई छोटे भाई को वंदन करे, यह विधि है। अब बड़ा सोचे भी मैं तो बड़ा भाई, मैं इनको कैसे वंदना करूं, तो बड़ा भाई था तुम संसार की व्यवस्था में, उम्र में बड़ा था, चूंकि साधु पहले छोटा बन गया तुम बाद में बने हो, तो बड़े भाई का कर्तव्य होता है वो छोटे भाई को वंदन करे, ये विधि विधान। उम्र की बात गौण है, संयम पर्याय की बात मुख्य है। बेटा पहले साधु बन गया, हमारे मुनि श्री राजकर्ण जी स्वामी थे वो तो पहले ही साधु बन गए, उनके पिता मुनि श्री गंगाराम जी स्वामी वो बाद में दीक्षित हुए थे, बाद में साधु बने, तो बाप के लिए बेटा वंदनीय रहा, क्योंकि दीक्षा पहले बेटे की हो गई थी। तो भले बाप है, संसार पक्ष में तो पिता है, तो संसार के हिसाब से वो सम्मान्य है, पर संयम पर्याय में तो संयम कसौटी है, संयम जिसने पहले ले लिया वो बड़ा है, तो पिता के लिए भी बेटा वंदनीय बन जाता है। तो यह उम्र की बात संसार में तक तो ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई पिता पुत्र संसार तक तो ठीक है, दीक्षा के संदर्भ में उम्र की बात कुछ प्राय गौण हो। हमारे मुनि ध्यान मूर्ति जी हैं, अब दीक्षा ली तो आठवें दशक में, तो मैंने पहले ही इनको सावचेत किया, देखो छोटों को बनना करनी होती है, तुम इतनी बड़ी उम्र के हो, घर में मुखिया मान लो बड़े रहे वेर, इतने पढ़े लिखे हो, दीक्षा ले लोगे तो छोटे संतों को भी वंदना करनी। इन्होंने कहा इसमें तो मतलब क्या बोला लिखा था, बहुत सौभाग्य की बात है मैं वंदना, ऐसा कुछ लिख दिया था, जो भी कहा होगा। तो अब दीक्षा लेने के हिसाब से पहले घर में भले बड़े होंगे, पिता होंगे, एक जो भी दादा जो भी होंगे, अब दीक्षा लेने के बाद तो छोटे हमारे संत हैं, इनसे भी छोटे हो गए हैं, ये छोटे संत हैं इनसे भी दीक्षा पर्याय में छोटे, तो इनके लिए ये छोटे मुनि भी वंदनीय ठीक है। ये मान सम्मान रखें वो अलग बात है, कोई सिद्धांत तय ये छोटे वंदनीय हो जाते हैं। तो ये अहंकार भी किस बात का करें, अहंकार क्या करना है, हमारा जीव है पता नहीं कहाँ कहाँ गया है। संभवतः मगन मुनि मंत्री मुनि जो थे मगन मुनि वो फरमाते कि घमंड किस बात का, हमारा जीव कितनी बार यानी जो भी बोर की गुठली बन के कितने पैरों में आया होगा हमारा जीव, हम घमंड किस बात का करें। तो पता नहीं कितनी कहाँ कहाँ हमारी आत्मा ने जन्म लिया होगा, तो भाई घमंड नहीं चाहिए, घमंड नहीं, हमें अहंकार से बच कर के रहने का प्रयास करना चाहिए। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत। कि अभिमान तो सुरापान की तरह, तो ये अभिमान को छोड़कर के आदमी निरभिमान निरहंकार निरभिमान निर्मान बनने का रहने का प्रयास करे। तो शास्त्रकार ने कहा मई इड्ढि गारवे कि मत्ति यानी बुद्धिकार रिद्धि संपदा का भी गर्व नहीं करना चाहिए। तो पिसुने नरे दो आदि पिसुन है चुगलखोर है, साहस बिना विचारे काम करने वाला है, हीन पेशने अनुशासित नहीं रहता, ऐसे जो होते हैं विनय में कोविद नहीं है,
अदृष्ट धर्मा है। तो ऐसा व्यक्ति है असंविभागी, संविभाग नहीं करता, दूसरे का भी हड़पना चाहता है। कह उसका चिंतन किस प्रकार का, कह मेरा सो मेरा तेरा सो भी मेरा। एक असंविभागी व्यक्ति के मेरी चीज तो मेरी है ही, तेरे वाले भी मुझे मिल जाए, तेरा सो भी मेरा, यह एक ममत्वशील व्यक्ति का विचार हो सकता है। एक उदार मना व्यक्ति कहता है, उदार मना कि भी तेरा सो तेरा और मेरा सो भी तेरा, कि तेरी चीज तेरे पास है ही, मेरी चीज भी तुम ले लो। हमारे संत जो उदार मना, कोई किसी ने कोई चीज मांग ली कभी तेरे पास है ही, ये मेरी चीज भी, मेरा पुट्ठा, मेरी पेंसिल, मेरी घड़ी, मेरी वो भी तुम ले लो, तेरी तेरी है, तुम ले लो, है ना। तो तेरा सो तेरा और मेरा सो भी तेरा, ये उदार मना व्यक्तित्व का चिंतन। एक संत पुरुष सोचता है ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा। तेरा मेरा कुछ नहीं है, दुनिया में रयन बसेरा करना है। तो यह साधु का एक साधनाशील का चिंतन। तो शास्त्रकार ने बताया जो चंड है, अहंकारी है, ऐसे ऐसे जो अवगुणों वाला है, असंविभागी है, उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो हम, हमारे संत लोग भी बैठे हैं, हम चंडता आदि आदि से मुक्त रहें और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें, यह काम्य है। दानान सिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंबचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।